हेलो दोस्तों, तो आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे कि बूटस्ट्रैप 4 में आपको शायद मालूम हो या ना हो, बूटस्ट्रैप 4 में हम ग्लिफ आइकन डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, ग्लिफ आइकन हम डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करवा सकते। अगर हम लिखते हैं तो सिंपली आपको मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोडिंग पैनल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ। बटन में मैं लिख देता हूँ होम। ठीक है, होम लिख देता हूँ, उसमें मैं एक क्लास दे देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ बी टी एन डेंजर। और यहाँ के हमारे पास ये सिंपल सा बटन अब आ चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ अब यहाँ पे ये हमारा सिंपल बटन आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें स्पान टैग में लिखते थे जो बूटस्ट्रैप 3 में आपने सीखा ही होगा। यहाँ पे हम ग्लिफ आइकन ऐड करते थे, आपको पता होगा। यहाँ पे लिख देते थे GLYPHICON। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते थे ग्लिफ आइकन, बाद में लिखते थे ग्लिफ आइकन में सिंपल एक मुझे याद था, उसका नाम था यूज़र, यानी सिंपल मैं होम लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेव करके हम जब रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जो ग्लिफ आइकन है वो आ नहीं रहा है। तो हमें कस्टम ग्लिफ आइकन कैसे सपोर्ट करवाना है जो बूटस्ट्रैप 3 में थे, बूटस्ट्रैप 4 में तो वो है ही नहीं। ठीक है, तो 3 में से हम कैसे सपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, ये कोई ट्यूटोरियल में और यहाँ पे कोई बूटस्ट्रैप 4 के कंपोनेंट में नहीं है, ये मैं अपनी ओर से आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको फोन ऑसम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा हमें, हमारे पास जो बूटस्ट्रैप 3 के अंदर जो हमारे पास CSS थी, पहले तो आपको वो CSS चेक करनी पड़ेगी, यानी ये CSS बूटस्ट्रैप CSS, उसमें आप क्या करना है, ओपन विथ सब्लिम टेक्स्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आके इसमें सर्च करता हूँ। उसमें लिखा है ग्लिफ आइकन, तो यहाँ पे ग्लिफ आइकन यहाँ पे सिंपल लिखा है, तो उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ग्लिफ आइकन के जो सारे फॉन्ट हैं उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। तो ग्लिफ आइकन के ये सब फॉन्ट थे यहाँ तक के ग्लिफ आइकन में जो फॉन्ट थे उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और नहीं यहाँ पे फाइल बना देता हूँ और उसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ और उस फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव में कहाँ करनी है, जहाँ पे हमारा ये बूटस्ट्रैप का जो डेटा है वहाँ पे उसकी CSS में जाके मैं यहाँ पे ग्लिफ आइकन CSS लिख देता हूँ, icon.css, यानी कि जो ग्लिफ आइकन की जो CSS थे वो हमारे पास अब आ चुकी है। तो यहाँ से इसे मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, उस बूटस्ट्रैप की फाइल को भी निकल देता। अब क्या हमें यहाँ पे ग्लिफ आइकन जो लिखा है वो डायरेक्टली सपोर्ट फिर भी नहीं होगा, क्योंकि जो ग्लिफ आइकन में जो फॉन्ट थे, जो ग्लिफ आइकन के जो आइकन थे वो क्या है, वो सिर्फ इमेज नहीं थी, वो इमेज थे ही नहीं, वो एक टेक्स्ट या फॉन्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, फिर भी ये हमारा आउटपुट में नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब जो CSS थी, जो ग्लिफ आइकन की जो हमने बना रखी थी, जो इसमें से एडिट करके उसमें फॉन्ट का जो बूटस्ट्रैप 3 में फॉन्ट का जो फोल्डर है उसे हमें उठा के कॉपी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और जो हमारा यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 का जो फोल्डर है उसमें जाके मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, यानी हमारे पास जो ये फॉन्ट है सब आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाके अपने आउटपुट में चेंजेस करता हूँ। हाँ, यहाँ मैंने सिंपली लिख के रखे हैं, जाके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, फिर भी हमारे पास ये नहीं आया। ठीक है, हाँ नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो बूटस्ट्रैप में जो हमने ये फाइल ली थी ग्लिफ आइकन, वो हमें यहाँ पे अटैच करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अटैच करवा देता हूँ उस फाइल को। फाइल क्या थी, CSS फोल्डर में / glyphicon.css। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके अब रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये सिंपल होम आ चुका है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे ग्लिफ आइकन को बूटस्ट्रैप 4 में भी सपोर्ट करवा सकते हैं।
ठीक है। बूटस्ट्रैप 4 में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई है, यानी हमारे पास ये सिंपल जो हमारे ग्लिफाइकन, हमें कुछ ग्लिफाइकन हमें याद रह जाते हैं, ठीक है, वो इसके लिए क्योंकि हम उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम कस्टम यहाँ पे ग्लिफाइकन सपोर्ट करवा सकते हैं, ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है बूटस्ट्रैप 4 में, इसलिए हमें कस्टम करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में आशा रखता हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब तक अगले ट्यूटोरियल के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।